राघव शादी कब कर रहे हैं ये बता दीजिए। मुझे भी बेताबी है इसकी, कब कर रहा हूं मैं खुद इस जवाब किससे मिलेगा, इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूं। तो जवाब कैसे मिलेगा, हम क्या मदद जिस बेताबी से आप ढूंढ रहे हैं, मैं ज्यादा बेताबी से ढूंढ रहा हूं। क्या मदद, कुछ मदद कर सकते हैं क्या हम? नहीं मदद, आप मैं अपनी माँ का फोन नंबर आपको दे दूंगा, उनसे बात करें और उन्हें बोले राघव अरेंज मैरिज तो नहीं करने वाले, शीघ्र अति शीघ्र आप हमें नहीं बगड़ा सकते, राघव अरेंज मैरिज नहीं, क्यों क्यों नहीं कर सकता, नहीं लगता नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल हो सकती है, जल्दी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो आपने 2.5 रुपये लौटा दिए थे हाँ मुझे ब्याज समेत, मुझे ब्याज नहीं दिया था मैंने, मैंने सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया था। मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली मोदी सरकार ने एडवाइज़र के तौर पे हटा दिया कि आपकी नियुक्ति नहीं हुई, आपकी नियुक्ति वॉइड एब इनिशियो है। मैंने कहा नियुक्ति नहीं हुई तो जितनी पगार मैं लेता हूँ मैं वापस कर देता हूँ, तो 1 रुपये की शायद पगार थी ऐसी कुछ थी, तो मैंने उस वापस कर दी उन लोगों को। मैंने कहा रखो भैया 2.5 रुपये, तुम 3 रुपये जितने 2.5 रुपये कैसे पहुँचाए थे, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के कितने, मैंने चेक भी नहीं लिखा, मैंने कहा चेक नहीं डालेंगे, डिमांड ड्राफ्ट दे दिया कि भाई ये लीजिए। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के कितने पैसे लिए थे बैंक? वो शायद 40-50 रुपये लग गए ना। हम सब जानते हैं कि देश की 65% आबादी 35 साल की आयु से कम है, 65% आबादी, 50% आबादी देश की, 50% ऑफ इंडिया 25 साल की उम्र से कम है, तो कितना युवा देश है। एवरेज एज शायद हिंदुस्तान की को 29 साल है, मैं भी एवरेज एज से बड़ा हूँ, मैं भी बूढ़े होने की उस पर हूँ, देश युवा है। तो कहने की बात यह है कि जब देश इतना युवा है तो युवाओं का पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में क्यों ना हो। मुझे नहीं लगता कि कभी भी जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक और दुनिया में कहीं भी ऐसा उदाहरण होगा कि एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल 5 साल का ख़त्म करके एक चुनाव में जा रहा है और चुनाव में वोटर्स से अपील कर रहा है कि अगर मैंने काम किया तो वोट देना, बहुत बड़ी बात है, काम नहीं किया तो मत देना, एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी, एक कॉन्फिडेंस, एक आपको एक अलग ही लेवल की ईमानदारी चाहिए ये बात बोलने के लिए, बहुत बड़ी बात। नेता तो छल कपट से वोट लेते हैं और यहाँ हमारा नेता है अरविंद केजरीवाल जी जो जाकर कह रहे हैं काम किया तो देना, नहीं किया तो मत देना वोट, ये दिखाता है कि कितनी सच्चाई के साथ लोगों की सेवा करी है। क्या आप यहीं खड़े होते थे जब आप? बिल्कुल यहीं खड़े होते थे असेंबली के समय। ये हमारा हाउस पटेल हाउस में था, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे हमारा हाउस का नाम था, तो यहीं खड़े होते थे हम। ये असेंबली मॉर्निंग असेंबली जब बाहर हुआ करती थी तो इस बास्केटबॉल कोर्ट में हुआ करती थी। वैसे इंटरव्यू के लिए आपने मॉडर्न स्कूल ही क्यों चुना, ऐसा तो क्या लगा हुआ आपको? आपने चुना आपको चॉइस आपकी थी नहीं, पर अपना बहुत अच्छी जगह, अपना स्कूल है, कई यादें इस स्कूल से जुड़ी हैं, इन इमारतों से जुड़ी हैं। जैसे कोई एक याद जो आपके दिल के बहुत करीब? बहुत सारी हैं, एक तो बताई नहीं जा सकती, कई सारी हैं। मैं 10 मिनट पहले आया करीब, तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो हर जगह खड़े होकर पुरानी चीज़ें पुरानी बातें याद आती हैं। तो स्कूल लाइफ तो जैसे कहते हैं, और हमने अनुभव भी किया, वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ, तो बहुत बहुत इमोशनल होते हैं हम सभी अपने स्कूल को लेके, अपने दोस्तों को लेके, टीचर्स को लेके, स्कूल की इमारतों को लेके। कितने साल बाद आना हुआ स्कूल में? बहुत साल हो गए, आज मैं स्कूल आ रहा हूँगा करीब करीब 10 साल बाद। 10 साल बाद? 10 साल बाद आ रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत समय हो गया, और वैसे ही है, बिल्कुल नहीं बदला। मैं आके यही देख रहा था, बिल्कुल कुछ नहीं बदला, शायद दीवारें पेंट हुई होंगी, उसके अलावा तो बिल्कुल कुछ नहीं बदला, एकदम वैसा है जैसा था। क्या प्यारी बात। और कुछ हरकतों के बारे में बताइए, कुछ तो की होंगी स्कूल में हरकतें? अब हरकतों से आप समझ गए? हरकतें बहुत करी, बदमाशी भी करी, सस्पेंड भी हुए। सस्पेंड हुए हो? कई बार हुए, कई बार। अच्छा मैसेज नहीं जाएगा पब्लिक में, मतलब क्या ऐसा कई बार करे, झगड़े करे, बदमाशियां करी, स्कूल बंक करा, सब करा,
राघव ने झगड़े किए हैं? हाँ, मतलब बचपन में मार पिटाई तो होती रहती थी। अच्छा, जैसे? मतलब कभी कभार किसी इशू को लेकर कोई दो लोगों चार लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, स्कूल बंक कर लिया, क्लास बंक करी, पकड़े गए, सस्पेंड हो गए, डांट पड़ी, तो ये छोटी मोटी चीज़ है। बट ऑन द होल आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा खराब स्टूडेंट था, अच्छे नंबर लेके पास हुआ करता था। बचपन से ही पढ़ाई हुई है? बचपन से, नर्सरी से। जूनियर स्कूल हमारा हिमायूं रोड पे है, रघुवीर सिंह जूनियर मॉडर्न स्कूल। सीनियर स्कूल यहाँ पे, यानी कि छठी से लेके बारहवीं तक की पढ़ाई इस स्कूल में होती है, और नर्सरी से पाँचवीं तक की RSJMS में हमारा हिमायूं रोड पे जो मॉडर्न स्कूल है। आपका हिंदी का उच्चारण बड़ा स्पष्ट है, हिंदी का टीचर कौन था? अब कई सारे थे पर जो आपको छठी से लेकर, बल्कि नर्सरी से लेकर बारहवीं तक हिंदी का उच्चारण, मुझे लगता है कि स्कूल में तो चलिए एक फाउंडेशन सबकी तैयार होती है, ये बोल बोल कर आई है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बड़ी बहुत एफर्ट किया कोई इस भाषा को अच्छे से समझूं, या मेरी हिंदी साधारण है, उच्चारण भी साधारण है। मुझे लगता है कि बोल बोल कर, पढ़ पढ़ कर आपकी भाषा की जो पकड़ होती है वो मजबूत होती है, वही हुई है मेरे साथ। ऐसा कोई स्पेशल फोकस मैंने किसी भी भाषा को नहीं दिया। टीवी डिबेट्स में फ़ायदा मिलता है हिंदी पे फोकस होने की वजह से? मिलता है, ज़रूर मिलता है, ज़रूर मिलता है। और कोशिश यही होती है कि टीवी डिबेट्स में अपनी भाषा, अपनी मैसेज को सरल भाषा में पहुंचाया जाए। जितनी मुश्किल शब्दों का प्रयोग कर, जितने कॉन्वोल्यूटेड वे से आप अपनी बात को प्रेजेंट करेंगे, उतना मुश्किल होता है ऑडियंस के लिए आपकी बात समझना। तो साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में, जो एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए, एक बुद्धिजीवी को भी समझ में आए, और एक साधारण सा आदमी जो रिक्शा चला रहा है, सड़क पर चल रहा है, उसको भी आपकी बात समझ में आए, वही असली ताकत है मैसेजिंग की। बिल्कुल। तो उसको ध्यान में रखते हुए सिंपल वर्ड्स का चयन करके, साफ बात, सीधी बात, दिल को छूने वाली बात कही जाए, मुझे लगता है वही अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। तब में और अब में क्या बदला है पर्सनल लाइफ? पर्सनल लाइफ तो पूरी बदल गई है 180 डिग्री। सोचा था कि स्कूल से निकलेंगे, मैं जब छोटा था तो मैं अक्सर अपनी क्लास, जैसे आप एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं तो पहले दिन एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन होता है। क्लास टीचर आती हैं, वो पूछती हैं कि एक एक बच्चा खड़े होकर बताओ भाई जीवन में क्या करना चाहते हो, माता पिता क्या करते हैं, आप अपने आप को 20 साल बाद कहाँ देखते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझसे भी पूछा जाता था। मुझे याद है मैं लगभग हर साल ये कहता था कि मुझे फ़ौज में जाना, इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। बड़ा मन था फ़ौज में जाने का, देश की सेवा करने का। लेकिन उस रास्ते तो नहीं गए, इस रास्ते आ गए राजनीति के, और लाइफ पूरी बदल गई। अक्सर मुझे लगता है, मैं अपनी ही बात करूं, अपने बैच की बात करूं, मेरे साथ जितने भी बच्चे स्कूल में थे, मेरी क्लास में, मेरे बैच में, उनमें से कोई भी नहीं शायद राजनीति में आया होगा, एक भी नहीं। मुझे लगता है मेरे से 4 बैच जूनियर और 4 बैच सीनियर में भी कोई नहीं आया होगा। टच में हैं अभी आप उनके? काफ़ियों के संपर्क में हैं, बहुतों के नहीं हैं। बहुतों से संपर्क छूट गया, ज़िंदगी बदल गई तो बहुतों से संपर्क छूट भी गया, लेकिन बहुत ज़िंदगी बदल गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अक्सर सोचते हैं कि कोई बिजनेस करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नेता या राजनीति में आने का है, चुनाव लड़ने का तो कोई नहीं सोचता। मैंने भी नहीं सोचा था, तो केजरीवाल साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने पार्टी बनाई और बस उनके साथ उनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा, और चलते गए। स्कूल के दिनों में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है हमारा, कोई था? बहुत लोग थे, कई सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। हमारे स्कूल बड़ा भाग्यशाली स्कूल है, इसमें कई लोग बड़े बड़े दिग्गज, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी, बापू भी स्कूल में आए, और इन बड़ी हस्तियों ने स्कूल के, कभी कोई फाउंडर्स डे में एज चीफ गेस्ट आए, कभी किसी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करने आए, तो रोल मॉडल्स तो कई सारे थे, फ्रॉम सुभाष चंद्र बोस टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। कंटेम्प्रेरी टाइम का कौन था? कंटेम्प्रेरी टाइम का तो अरविंद केजरीवाल जी हैं हमारे रोल मॉडल, उन्हीं को फॉलो करते हैं। हर आदमी की कुछ कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, विपक्षी भी कुछ लोग हैं जिनमें कुछ कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उन वो भी रोल मॉडल्स हो सकते हैं। बता दीजिए आज कौन किसको पसंद करते हैं? नहीं नहीं, किस व्यक्ति में किस चीज़ को पसंद करते हैं ये तो ये बता दीजिए। नहीं, जैसे अब अगर नेताओं की बात करें
तो पूर्व प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी थी। उन्होंने फॉर एग्जांपल आज हम देख रहे हैं कि देश का विपक्ष किस प्रकार से एनिमोसिटी का रिश्ता है सत्ताधारी पक्ष में और विपक्ष में, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के अंदर जो रिलेशनशिप हम पहले देखा करते थे वो ख़त्म हो गया, एक ऐसा एनिमीज से बन गए हैं। और सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेदारी होती है विपक्ष को साथ लेके चलना, हर पॉलिसी निर्णय पर उनकी भागीदारी होनी चाहिए, वो एक पूरा सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। उस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी साहब बहुत वैल्यू करते थे विपक्ष को, अपोजिशन की आवाज़ को बहुत वैल्यू करते थे, उनको सम्मान देते थे पूरा। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं और विपक्ष के लोगों से भी सीखनी चाहिए, सीखते भी हैं। जब राजनीति में पहला कदम रखा था क्या सपने थे? देखिए, राजनीति में कदम रखा कैसे, आप वो मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया। हम सभी आंदोलन में, मैं तो जब आंदोलन समाप्ति की ओर था उस समय अरविंद केजरीवाल जी से मिलना हुआ। और मुझे वो टाइम के बारे में बताइए जब आप पहली बार मिले। मैं तब इंग्लैंड से आया था और मेरा उनसे मिलना हुआ, तो मैं मिला हूँ अपने वो कौशाम्बी ऑफिस में थे उस समय, मैं कौशाम्बी ऑफिस में समय लेकर मिलने गया। और मेरे मन में ये भाव था कि इतना अच्छा काम, इतने देश के लिए इतना संघर्ष अरविंद जी कर रहे हैं, उनके साथ सारे लोग लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी शुरू से एक वो तो था कि भाई देश के लिए कुछ करना है। तो मैंने तो इस भाव से उनसे मिला कि मैं इस आंदोलन में या इस लड़ाई में, इस मिशन में अपना जितना भी योगदान दे सकूँ, 2 घंटे का 4 घंटे का, हफ्ते में 2 दिन काम कर लूँगा एट मैच, और सहयोग करूँगा, जितनी असिस्टेंस ऑफर कर सकता हूँ करूँगा, और फिर अपना काम भी करूँगा साथ साथ। लेकिन उनसे मिलना हुआ तो वो कहते हैं फिर वो उन्हीं के होके रह गए। वो शुरू तो हफ्ते में 4 घंटे से ही हुआ, लेकिन वो बढ़ता गया, कब पार्टी बनी, कब पार्टी में जिम्मेदारी मिली, कब आगे बढ़ते गए पता ही नहीं लगा। अक्सर मैं तो ये बोलता हूँ, इट मे साउंड लाइक अ क्लीशे, बट कि वी आई डिडंट चूज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स चूज मी, मैंने राजनीति को नहीं चुना, तो हो गया सब कुछ तो यहाँ आ गए, ऐसे सोचा नहीं था। मतलब अगर आप मुझसे पूछें आज से 10 साल पहले, मैंने अपने माता पिता को बोला होता कि जी मेरे को राजनीति में आना है, या बीजेपी कांग्रेस या कोई मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी में जाना है, तो शायद मुझे डांट भी पड़ती, मेरे घर वाले मुझे मेरा नाम वसीयत से कटवा देते कुछ भी हो सकता था। डांट तो अभी भी पड़ती होगी? नहीं, डांट तो खूब पड़ती है, आज भी पड़ती है, माँ से ज़्यादा पड़ती है, खूब डांट पड़ती है, डांट में कोई कमी नहीं आई है, डांट बल्कि ज़्यादा ही पड़ती है। इसके बारे में नहीं पड़ती कि राघव अब शादी कर लो पड़ती तो होगी, पड़ती तो रहती है। वापस आएंगे इस मुद्दे पे, बड़ा है, गंभीर विषय है ये। तो स्कूल के टाइम पर क्लास बंक करी, घर पे सूचना मिली, तो क्या माहौल होता था घर में? डांट पड़ती थी? सिर्फ डांट पड़ने में? नहीं नहीं, काफ़ी डांट पड़ती थी। मुझे याद है, मैं एक बार हमने क्लास बंक करी, पकड़े गए, स्कूल बंक करी पकड़े गए, बेवकूफ़ इतने कि पकड़े भी गए। अब स्कूल बंक करना है तो ईमान अच्छे से करो कि ना पकड़े जाओ, चलो पकड़े गए। तो जो उस समय के हमारे टीचर्स होते थे, उन्होंने जितने बच्चे थे उन सबके माता पिता को बुलाया, माय मदर ऑल्सो वेंट, तो सारे पेरेंट्स बैठे थे, टीचर्स एड्रेस कर रहे थे उनको, जी ये देखिए बच्चे कहाँ आ गए हैं, स्कूल छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं सुबह सुबह एक्सेट्रा। तो बहुत डांट पड़ी, मुझे याद है मम्मी की आंखों में तो पानी आ गया था, शी वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग कि यार मैं तो सोचा नहीं था कि ये बच्चा स्कूल भी बंक कर सकता है, क्लास भी बंक कर सकता है। कौन सी क्लास की बात है ये? 11वीं की बात है। तो बहुत डांट पड़ी, तो माफ़ी मांगी, पर उसके बाद नहीं किया। अच्छा, तो बहुत जल्दी सुधर गया। माँ के मन से निकले आंसू तो कहीं ना कहीं पिघलते हैं, कैसा भी मन। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ आज का इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिमेम्बरेबल रहना चाहिए आज का दिन आपके लिए। यहाँ हमारी क्लास हुआ करती थी, ये हेड मिस्ट्रेस का रूम होता था, फिर आगे जब एक क्लास से दूसरी क्लास में गए तो आगे ऊपर बिल्डिंग में हमारी एक जो सामने वाला कमरा नज़र आ रहा है वो हमारी क्लास हुआ करती थी। स्पोर्ट्स में रुचि थी आपकी? बहुत रुचि थी, मैं बैडमिंटन खूब खेला करता था। जहाँ से हमने इंटरव्यू शुरू करा, वहाँ पीछे जो शंकरलाल ऑडिटोरियम है उसमें बहुत अच्छे बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स हैं,
वहाँ खूब खेला करता था, अपने स्कूल को भी रिप्रेजेंट किया आपने, बैडमिंटन में रिप्रेजेंट किया, अब छूट गया सब कुछ, लेकिन खेला करते थे, खूब खेला करते थे। हमारे स्कूल ने शुरू से ही स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करा है, मतलब हॉर्स राइडिंग से लेकर स्विमिंग तक, जब अन्य स्कूलों में नहीं हुआ करती थी, मैं तो आज़ादी के पहले से बात कर रहा हूँ, तब भी मॉडर्न स्कूल का बहुत एम्फेसिस स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे रहता था, तो सभी स्पोर्ट्स खेलते थे, मैं भी खेलता था। क्रिकेट में भी रुचि रही आपकी? क्रिकेट में भी थोड़ी बहुत रुचि रही। वैसे गौतम गंभीर इसी स्कूल के हैं? गौतम गंभीर भी इसी स्कूल के हैं। मुझे याद, मैं तो बड़ी अच्छे से मुझे याद है कि वो जो अपर फील्ड है पीछे, जो जहाँ से हम चल के आए, वहाँ पे बैटिंग किया करते थे सुबह से शाम तक। कितने बैच सीनियर थे? मेरे ख्याल से छः सात बैच सीनियर थे, इफ माई मेमरी सर्व्स मी राइट, आई डोंट नो, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन बैटिंग करते रहते थे सुबह से शाम तक, तो मुझे याद है, आई क्लियरली रिमेम्बर, वेरी क्लियरली रिमेम्बर, तो वो भी मॉडर्न नाइट है। चलिए आइए बैठते हैं। एज ए यंगस्टर पॉलिटिक्स में आना, वॉलंटियर करना, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे वॉलंटियर आते हैं, कुछ समय निकालते हैं, इलेक्शन पूरा होता है, पार्टी जीतती है, सेलिब्रेट करके चले जाते हैं, पर खुद को इतने लंबे समय तक, आप 23-24 साल की उम्र से राजनीति में आए थे, 22-23 आंदोलन में आए थे, राजनीति में आंदोलन 22 साल, और 10 साल ये जो गए, क्या कॉस्ट है पॉलिटिक्स में खुद को सस्टेन करने की? कॉस्ट तो देखिए हर चीज़ की होती है, पॉलिटिक्स की फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। मैं अपनी सीए प्रैक्टिस को, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो मेरा काम था, हो सकता है मैं राजनीति में नहीं होता तो उसे एक अलग ढंग से, एक और बेहतर तरीके से ज़्यादा समय देकर कर रहा होता, तो एक फाइनेंशियल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दूसरा सोशल कॉस्ट भी है, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड में हो और इतनी फास्ट मूविंग फील्ड है, और हमारी पार्टी तो वैसे ही बहुत काम करती है, हमारी पार्टी के लोग भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आप अन्य पार्टी के लोगों से मिलेंगे ना, वो इतना काम नहीं करते, वो दिन का 3-4 घंटे काम करते हैं, बाकी आराम करते हैं। हम तो, मुझे लगता है कि हम 20-20 घंटे काम करते हैं, बिकॉज़ हमारे बॉस जो हैं वो सोते नहीं हैं, वो 20-22 घंटे काम करते हैं, तो हमें, हम भी, हमसे भी काम कराते हैं, हमसे भी करवाते हैं, तो एक सोशल कॉस्ट है। आप अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जितना समय बिताना चाहते हैं या बिताना चाहिए उतना नहीं बिता पाते, वो एक सोशल कॉस्ट भी आ जाता है। बट देखिए वो तो हर चीज़ की कॉस्ट है लाइफ, मुझे लगता है इसके जो जॉब सेटिस्फैक्शन इस काम में मिलती है, मुझे नहीं लगता किसी भी काम में मिलती है। इंसान जीवन भर बहुत मेहनत करता है, इसलिए करता है कि अल्टीमेटली खुशी मिले, और वो खुशी कंटेंटमेंट से मिलती है, कंटेंटमेंट चाहिए सबको, जब तक वो कंटेंटमेंट तक नहीं पहुँचेगा तब खुशी नहीं मिलेगी। कोई सोचता है लाखों करोड़ों रुपए कमाएं उससे शायद कंटेंटमेंट मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, कोई सोचता है बड़ा नाम हो, शौहरत हो, कोई और रास्ते पे जाता है, धार्मिक मार्ग पे जाता है। मुझे लगता है कि हम जिस सेटअप में हैं, इसमें चुनाव लड़के सत्ता में आके लाखों लोगों की ज़िंदगी बेहतर करके जो खुशी, जो कंटेंटमेंट का अनुभव होता है, उसका कोई मोल नहीं है। वो जो फीलिंग है, वो जो अनुभव है, उसको आप किसी चीज़ से तोल नहीं सकते, उसके सामने ये सारी फाइनेंशियल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट बहुत छोटी रह जाती है। और वो जो अनुभव है, मुझे लगता है वो एक हम सबको एक बहुत मोटिवेशन देता है, एक झील देता है, एक फ्यूल की तरह काम करता है, जिसको देख कर हम लोग चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं कि काम करना है, और काम करना है, और ये करना है, ये भी करके दिखाना है। तो कॉस्ट है, लेकिन वो कॉस्ट मुझे लगता है कि एक समय के बाद इनसिग्निफिकेंट से हो जाती है। स्ट्रेसफुल नहीं है? बहुत स्ट्रेस है, कौन कहता नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल, कैसे डील करते? बहुत 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 स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस देखिए एक्सेप्शनली ज़्यादा है, इसमें तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोलूँगा। और डील करने का तरीका तो यही है कि घर वालों के साथ थोड़ा समय बिताया जाए, गाने सुने जाए, गाड़ी चलाई जाए, एकांत में बैठ के सोचा जाए, रिलैक्स किया जाए, कई सारी चीज़ें होती हैं, वॉक पे निकल जाइए, लेकिन स्ट्रेस से इंसान को डील करना भी आना चाहिए।
वो भी धीरे धीरे आता है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता रहता है उसे डील करने की जो आपकी क्षमता होती है, आपकी आपकी एबिलिटीज़ होती हैं, वो भी बढ़ती रहती हैं। तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। आप CA बने तो हर CA कॉस्ट एंड प्रॉफिट अकाउंट बनाता है, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। कभी मन में आया जब आप कह रहे हो कि स्ट्रेस के लिए या किसी भी रीज़न से अपने साथ बैठे हैं अकेले में, तो मन में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ कि यार डिसीजन सही है या कुछ खोया ज़्यादा पाया, तो ऐसा कभी लगता? देखिए, मैंने शायद अभी तक अपनी ज़िंदगी में वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई नहीं है। जब बनाऊंगा तो सोचूंगा, मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत भी है बनाने की, बना कर भी क्या मिल जाएगा। और जहाँ तक आए हैं अभी तक भगवान की कृपा से, अरविंद जी के साथ से, उनके आशीर्वाद से जहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे लगता है कि बहुत असाधारण रहा है सबका यहाँ तक पहुँचना। मतलब हम लोग एक एवरेज मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आते हैं, साधारण से परिवार से आते हैं, और अरविंद जी ने इतने मौके दिए, इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी, इस काबिल समझा कि इन जिम्मेदारियों को निभा सकें, ये अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। और पिछले 10 साल की जो जर्नी रही, 10 11 12 साल की जो जर्नी रही, मुझे नहीं लगता मैं उसमें कुछ भी बदलना चाहूँगा। मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, और भगवान ऐसे ही सेवा का काम करने का मौका देते रहे, काम मिलता रहे, काम करते रहेंगे, सिंपल सी बात है। क्या काम आपके दिल के करीब है, कोई ऐसी चीज़ जो आप एज ए MLA भी हैं, वाइस चेयर हैं दिल्ली जल बोर्ड, पानी पे बहुत काम करते देखा आपको, क्या चीज़ बहुत करीब है दिल को? देखिए, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक इंसान के जहन, मैं जब मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी शुरू हुई, जब हम दूसरी बार चुनाव जीते, जब 67 सीटें आई 70 में से, तो उस समय मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष जी के साथ उनके फाइनेंस पोर्टफोलियो में उनकी थोड़ी सी मदद करने के लिए उनको उनके एडवाइज़र के तौर पे लगाया गया था, वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कैसे किए जाएं, कैसे दिल्ली के बजट को संवारा जाए, उस दिशा में छोटा मोटा काम मैंने भी किया मनीष जी की गाइडेंस में, उनकी लीडरशिप में। और उसके बाद फिर पार्टी ने नेशनल ट्रेजरर बना दिया, तो फिर वो पद छोड़ के पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना, फिर चुनाव लड़े, अब MLA बन गए, एक हारे चुनाव लोकसभा का, एक जीत गए विधानसभा का, अब अपनी विधानसभा में भी काम कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का जो काम है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, पानी और सीवर की एक ऐसी समस्या है जो मुझे लगता है कि दुख की बात है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, फिर भी आज बुनियादी सुविधाओं के लिए देश की राजधानी में हालत, अब सोचिए देश के अलग अलग कोने में क्या हालत होगी। जब हमारी सरकार बनी थी तब लगभग 52-54% लोगों के घर में पाइपलाइन से पानी आता था, जल बोर्ड की लाइन से। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में उस 52-54% को 94% तक ले गए, लोगों के घरों में पाइपलाइन लगवा के पानी की डायरेक्ट उनको वाटर सप्लाई इंश्योर किया। तो एक एक बहुत बड़ा सफ़र जो पिछले 70 साल में तय नहीं कर पाए हम लोग, वो 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करके दिखाया। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, आप मेरे से पूछते जाइए, मैं आपको बताता जाऊँगा क्या क्या रिफॉर्म्स करे और कैसे कैसे करते गए और क्या क्या चीज़ें उसमें निकल कर आई। हमने बजट की जब सफाई करी, बजट को क्लीन अप करा, तो बड़े सारे ऐसे हेड्स होते थे जिसमें आप कहें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता था, खर्च हो रहा है, पैसा एलोकेट हो रहा है, खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है भगवान जाने, इतने सालों से उसमें एक खर्चा होता था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक दिन मैं सारे लाइन आइटम्स लेकर बैठा था बजट के, तो मैंने देखा कि नाम मुझे शायद पूरी तरीके से ध्यान नहीं है, लेकिन परचेज ऑफ OPM शायद नाम था उसकी, OPM जो नशा होता है, वो नशे का पदार्थ खरीदने के लिए भी कुछ पैसे दिल्ली के बजट में दिए हुए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा दिल्ली सरकार क्यों खरीदेगी, OPM क्यों खरीदेगी? तो मैंने थोड़ा इधर उधर पता वता किया किसी अफसर से, तो पता लगा कि जब 40s में, 50s में, 60s में कुछ अफगानिस्तान से लोग और अन्य किसी देश से लोग यहाँ आए भारत देश और दिल्ली आकर सेटल हो गए, वो एडिक्ट्स थे, वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते थे। तो सरकार ने कुछ कुछ
जगहों पर ऐसी दुकानें बनाई कि वो तो मर ही जाएंगे अगर उनको नहीं मिलेगा, तो उनको एज मेडिसिनल पर्पस के लिए रिहैबिलिटेशन और उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये सारे पदार्थ देने आवश्यक है। लेकिन वो आज भी खड़े हुए हैं, वो लोग चले गए, लोग चल बसे, लेकिन वो लाइन आइटम खड़ा है। ज़रूरी नहीं है वो खर्च हो रहा होगा, लेकिन एक एलोकेशन है एक लाइन आइटम। तो हमने वो देखा, पकड़ा, उसे हटाया। तो कहने का मतलब है इतनी बारीकी से एक एक चीज़ को, एक एक लाइन आइटम को स्टडी करते हुए हमने मनीष जी की गाइडेंस में हम सब ने उसको काफ़ी हद तक कोशिश करी बदलने की। बहुत काम किया दिल्ली सरकार ने, बहुत काम किया उसमें। मेरे को जो छोटी मोटी जिम्मेदारी मिलती रही मैं भी कोशिश करता रहा निभाने। वो आपने 2.5 रुपये लौटा दिए थे। हाँ, मुझे ब्याज समेत थे। मुझे ब्याज नहीं दिया था मैंने, मैंने सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया था। मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली मोदी सरकार ने एडवाइज़र के तौर पे हटा दिया कि आपकी नियुक्ति नहीं हुई, आपकी नियुक्ति वॉइड एब इनिशियो है। मैंने कहा नियुक्ति नहीं हुई तो जितनी पगार मैं लेता हूँ मैं वापस कर देता हूँ। तो 1 रुपये की शायद पगार थी, ऐसी कुछ थी, तो मैंने उस वापस कर दी उन लोगों को। मैंने कहा रखो भैया 2.5 रुपये, तुम 3 रुपये। कैसे पहुँचाए थे? डिमांड ड्राफ्ट बनाने के कितने? मैंने चेक भी नहीं लिखा, मैंने कहा चेक नहीं डालेंगे। डिमांड ड्राफ्ट दे दिया कि भाई ये लीजिए। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के कितने पैसे लिए थे बैंक? वो शायद 40-50 रुपये लग गए। ये भी कुछ अनोखे प्रयोग करते रहते हैं आम आदमी पार्टी के। एक फ्रेश एनर्जी तो लाए हो आप लोग। मुझे लगता है कि ये एक लौती ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक फ्रेशनेस, एक एनर्जी, एक ईमानदारी नज़र आती है। बाकी पार्टियों में कहाँ आती है? कोई भी पार्टी आप ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक देख लीजिए, कोई फ्रेशनेस ही नज़र नहीं आती। वही किसी पिटी राजनीति, पुरानी राजनीति चलती आ रही है। लोगों के पास भी विकल्प नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। वो भी बेचारे क्या करें, ये पार्टी से परेशान होते हैं, इसके पास चले जाते हैं, फिर 5 साल ये परेशान करती हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं। सो एक फ्रेशनेस, एक होप, एक उम्मीद जो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में लाए हैं, वो उसने बहुत बहुत बेहतरीन है। और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी आने से पहले, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि देश का युवा इतना पॉलिटिक्स भी फॉलो करता था। बिल्कुल नहीं करता। ये अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी बनाने के बाद लोगों ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, पॉलिटिक्स को समझना शुरू किया। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग पहले नहीं देखते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते थे, पढ़ते थे, लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ, जिस जैसे आज के दौर में फॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता आज से पहले करते थे। ये भी बहुत बड़ा ये भी एक अचीवमेंट है कि लोगों को पॉलिटिकली इतना अवेयर कर दिया। लोगों को रोज़मर्रा के जीवन से लेकर बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजन में अरविंद जी की सरकार ने इन्वॉल्व किया। अभी मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें हरियाणा का एक यंगस्टर बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता हरियाणा में, दिल्ली में चेंज हो सकता है। यदि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चेंज ला सकती है तो हरियाणा में भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है, सिर्फ नीयत की कमी है। क्या बनाता है नीयत? नीयत मीन्स व्हाट? देखिए, नीयत मीन्स आप देश हित और जो जिम्मेदारी, सामाजिक या प्रशासनिक जिम्मेदारी आपको मिली है, आप पूरी तरीके से समर्पण भाव से उसे निभाने में लगे, अपने हित को ना देखें। मुझे लगता है वही एक साफ नीयत की सबसे सरल परिभाषा है। और हम लोगों की भी यही कोशिश रही है कि देश हित में, समाज के हित में जितना काम कर सके करें। जो काम अरविंद जी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, ये और सरकारें भी कर सकती थी। कोई ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी वालों को ये आइडिया आ सकते हैं। बहुत साधारण से आइडिया है, हो सकता है इनका काफ़ी सारे आइडियाज़ के बारे में तो कई बार लिखा भी जा चुका है, कॉपी भी हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स। नहीं, कॉपी तो अब हो रहा है, मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट होने से पहले, दिल्ली में ये चीज़ें लागू होने से पहले कई बार लोग, बुद्धिजीवियों ने लिखे, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज़ ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने इन बारे में चीज़ें लिखी, एक्सपर्ट्स ने लिखी। तो कोई ऐसी कोई बहुत एक्सेप्शनली ब्रिलियंट आइडियाज़ और प्रयोग नहीं है, साधारण चीज़ है, लेकिन साफ नीयत से उसे लागू किया। अब जो फ्लाईओवर 400 करोड़ का बनता था वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 150-200 करोड़ में बना दिया। कैसे बन गया? साफ नीयत है, नहीं तो 400 का 800 में बनता है और ठेकेदार से पैसे भी अलग लिए जाते हैं। दिल्ली में MCD का पुल जो है, आज हम उसका जिक्र करते हैं, और पैसे भी लिए जाते हैं अलग से ठेकेदार से। तो एक वो पूरी व्यवस्था को, सिस्टम को बदल दिया। वो व्यवस्था परिवर्तन जो हुआ है, वो राजनीति में जो परिवर्तन आया है, वो तो उसके लिए तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी का, देश का एक एक आदमी उनका ऋणी है जो वो बदलाव लेकर आए हैं। यंग फेसेस होने की वजह से भी यंगस्टर्स जो है शायद डिबेट्स में सुनना
डिबेट्स को फॉलो करना पसंद करने लगे हों, या आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, या वो एक लीडर, मानिए आपका इंस्टाग्राम पेज है, उस पर यंगस्टर्स को एक इंटरेस्ट है कि यार ये तो हमारी एज का एक लड़का है जो पॉलिटिक्स में, इसको फॉलो कर लेते हैं, शायद वो बाकी बड़े देखिए एक जहाँ तक यंगस्टर्स की बात है, देश की राजनीति में ये देश का दुर्भाग्य है कि इतना युवा देश होने के बाद भी देश का युवा ही राजनीति में नहीं है। इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है ना, हम सब जानते हैं कि देश की 65% आबादी 35 साल की आयु से कम है, 65% आबादी, 50% आबादी देश की, 50% ऑफ इंडिया 25 साल की उम्र से कम है, तो कितना युवा देश है। एवरेज एज शायद हिंदुस्तान की को 29 साल है, मैं भी एवरेज एज से बड़ा हूँ, मैं भी बूढ़े होने की उस पर हूँ, देश युवा है। तो कहने की बात यह है कि जब देश इतना युवा है तो युवाओं का पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में क्यों ना हो। हम ये बात अक्सर कहते हैं, मैं इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि महिलाओं का राजनीति में होना बड़ा ज़रूरी है, उनके लिए सीटों की रिजर्वेशन भी होनी चाहिए, 33% रिजर्वेशन कर देते हैं, बिल भी पास हुए, सब कुछ हुआ। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगी, महिलाएं इलेक्शन लड़ेंगी, चुनाव जीतेंगी, चुनाव जीतकर विधानसभा में या पार्लियामेंट में आएंगी और अपने मुद्दे उठाएंगी, अपनी बात करेंगी, अपनी महिलाओं के समाज की बात करेंगी और उन बातों को रखकर, ज़रूरतों को, मांगों को रखकर शायद उनके लिए कुछ कर पाए। इसीलिए उसी हिसाब से हम बात करते हैं कि एक खास वर्ग को, जैसे दलित समाज की हम बात कर रहे हो, सालों से, दशकों से, पीढ़ियों से उनके साथ अन्याय हुआ तो उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए, वो आएंगे, जीतेंगे, विधानसभा में आएंगे, पार्लियामेंट में आएंगे तो अपनी आवाज़ उठाएंगे। उसी हिसाब से जब तक देश का युवा राजनीति में नहीं आएगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव लड़के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम नहीं करेगा, अपनी मांगे नहीं रखेगा, तो फिर युवाओं की आवाज़ कौन उठाएगा? कोई युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। अब एवरेज एज हमारे देश की मेरे ख्याल से राज्यसभा की कोई 60-65 साल है। अब 60-65 साल का एक आदमी या औरत कोई 18 साल या 20 साल के युवा की आवाज़ क्यों उठाएंगे? उनको इशूज ही कितने पता होंगे, कनेक्ट ही कैसे कर। तो युवाओं की, यंग इंडिया की बहुत अंडर रिप्रेजेंटेशन है भारत की मेन स्ट्रीम राजनीति में, जिसे बदलना चाहिए और बदलना कोई बहुत आसान नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं, अरविंद केजरीवाल जी मेरे मेंटोर हैं, मेरे बॉस हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे नेता हैं, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कि वो एक लौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने युवाओं को प्रमोट किया। बिल्कुल। और पार्टियों में आप देखिए, आपके पास एक फैंसी सरनेम होना चाहिए, या तो आप गांधी हो, मुफ्ती हो, यादव हो, सिंधिया हो, पायलट हो, ठाकरे हो, पटनायक हो, जब तक आपके पास कोई फैंसी सरनेम नहीं है, यानी कि कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल परिवार से आप नहीं आते या आपका कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं है, तो आप राजनीति में आगे ही नहीं जा सकते, आपको मौका ही नहीं मिलेगा, ना आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, ना कोई पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। तो वहाँ पे तो बहुत सारे बैरियर्स हैं, फिर मीडिया पावर चाहिए, मसल पावर चाहिए, मनी पावर चाहिए, ये सारे बहुत सारे बैरियर्स हैं जो युवाओं को, कोई आना भी चाहे ना इस दिशा में आगे चलता भी है तो वो रोक देते हैं। ये स्पीड ब्रेकर नहीं है, बैरियर है, वो रोक ही देता है कि नहीं भैया और आगे नहीं जा सकते। दूसरी ओर आप देखें आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी, इन हमारी पार्टी में सभी युवा हैं, सभी यंग लोग हैं, मैं इकलौता नहीं हूँ, मैं कैमरे पे ज़्यादा नज़र आता हूँ, जो लोग कैमरे पे नहीं नज़र आते वो मुझसे भी ज़्यादा युवा हैं और मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और मुझसे ज़्यादा काबिल भी हैं। बहुत लोग हैं ऐसे संगठन चला रहे हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी कहीं निभा रहा है। अरविंद जी ने शुरू से युवाओं को प्रमोट किया क्योंकि वो उम्र नहीं देखते, वो आपका सरनेम नहीं देखते, वो आपकी कमिटमेंट देखते हैं, आपका समर्पण देखते हैं, आपका भाव देखते हैं, आपकी ईमानदारी देखते हैं। ये 3-4 चीज़ें उन्हें आप में नज़र आएँ तो वो आप पे पूर्ण विश्वास करके आपको जो जिम्मेदारी आप जिसके काबिल हो से ज़्यादा देंगे। वो उम्र नहीं देखते, वो आपके बाल सफ़ेद होए कि नहीं होए ये नहीं देखते, आपका कोई बहुत बड़े घराने से, राज परिवार से आते हैं कि नहीं आते ये नहीं देखते। ये सबसे बड़ी बात है और ये इसकी वजह से ही उन्होंने शायद मुझे भी इस काबिल थोड़ा बहुत समझा, जो मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ दी, मैं उनका ऋणी हूँ। मुझे बहुत यंग एज में उन्होंने नेशनल स्पोक्स पर्सन बना दिया, शायद 22-23 साल का था जब नेशनल स्पोक्स पर्सन बना दिया, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण समय था, लोग सीरियसली भी नहीं लेते थे तो दाढ़ी भी पूरी नहीं आती थी तो, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी थी, मुझे लगता शायद मैं 27 साल का था जब मुझे उन्होंने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, नेशनल ट्रेजरर बना दिया। उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जी हुआ करते थे, वो शायद 90 साल के थे तब, मैं 27 साल का था।
एक बार हम किसी फंक्शन, मैं मनीष जी के साथ एक फंक्शन में गया रामलीला मैदान में, उस समय रामलीला आज भी होती हुआ करती थी, अब कोविड के चलते नहीं हो रही, लेकिन मनीष जी चीफ गेस्ट थे शायद, तो मैं उनके साथ था, तो मैं साथ चला गया उनके, तो वहाँ मोतीलाल वोरा जी भी आए हुए थे, तो हम दोनों साथ बैठे थे, साथ साथ कुर्सी पे, मनीष जी मंच पे थे, मैं और मोतीलाल वोरा जी साथ पे बैठे, तो किसी ने फ़ोटो खींच के उसने सोशल मीडिया पे डाली कि एक पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष 90 साल का, एक पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष 27 साल का, ये है देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी बात। तो वो एक इमेज जो है वो कहीं उस, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस इमेज, इसलिए नहीं कि मैं उस इमेज में था, इसलिए कि लोग युवाओं का प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है, आना चाहिए युवाओं को राजनीति में, और पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो कोई बहुत बड़े रिफॉर्म्स भी नहीं ला पाएंगे, बदलाव भी नहीं कर पाएंगे। आज हमने मेहनत करके इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीते, तो दिल्ली सरकार का पूरा सिस्टम तंत्र, 55-60 हज़ार करोड़ का बजट, ये सब मिला, अब इन सारी चीज़ों से, इन शक्तियों का इस्तेमाल कर कर आप लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। देखो एक बात बताओ, मतलब ये मेरे लिए भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, मैं जब आंदोलन के साथ जुड़ा था तो एक प्रश्न होता था कि खुद को सस्टेन कैसे करें, आपने अपना करियर जो चॉइस किया था वो आपने छोड़ दिया, मेन स्ट्रीम करियर को छोड़ के आप आ गए, अब फाइनेंशियल जो आपकी लाइबिलिटी है, आपके पास आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, आप अपने करियर के सपनों को छोड़ दीजिए। हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैसेज जाता है कि लोग पॉलिटिक्स में आए, लोग बहुत आना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आते हैं, छुट्टियां लेते हैं, चुनाव के टाइम पे पार्टिसिपेट करते भी हैं, पर लंबे समय तक राजनीति में रहना, काम करना, इंस्पिरेशन की कमी नहीं है, एक ऐसे मॉडल की दिक्कत है कि जैसे फेलोशिप्स होती हैं भाई, आज लोग टीच फॉर इंडिया मानिए एक फेलोशिप है, उससे लोग अपने मेन स्ट्रीम करियर को छोड़ के एक समय तक उसको चूज़ करते हैं, गांधी फेलोशिप है और बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, अशोका फेलोशिप है, लेकिन पॉलिटिक्स में युवाओं को ज्वाइन कराने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कोई फेलोशिप नहीं है, आपको कैसा लगता है? देखिए ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में बड़ी समय से एक चर्चा भी चल रही है, एक विचार भी चल रहा है कि एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी जो है कि इंसान राजनीति में भी रहे और ईमानदारी से रहे, वो एक मॉडल मुझे लगता है हम सबको मिलकर तराशना चाहिए। लेफ़्ट पार्टीज़ के अंदर ऐसा कुछ छोटा मोटा मॉडल है, वो लोग कुछ इस हिसाब से कुछ स्टाइपेंड टाइप कुछ देते हैं जितनी मेरी जानकारी, लेकिन इसे एक मेन स्ट्रीम में लाकर इसे लागू करना मुझे लगता है इस बारे में सोचना चाहिए, बहस होनी चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरी एक छोटी मोटी प्रैक्टिस है, तो मेरा खर्चा उससे निकल जाता है, मैं अभी भी प्रैक्टिस मैंने पूरी तरीके से छोड़ी नहीं है, ना मैं छोड़ूंगा, क्योंकि वो एक 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 आपका फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखता है। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो मुख्य धारा की राजनीति में है या कोई राजनीतिक जिम्मेदारी लेना चाहता है, देयर नीड्स टू बी सम अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ योर ओन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, वो नहीं होगा तो फिर ठीक नहीं होगा, वो होना आवश्यक है, और उस दिशा में एक सिस्टमिक रिफॉर्म, बदलाव लाने की भी मुझे लगता है ज़रूरत है, सोचना चाहिए इस बारे में, काफ़ी विचार भी हुआ है इस बारे में, काफ़ी चर्चा भी हुई है कि कैसे, हाँ मेरी भी हुई है, हमारे यहाँ भी हुई है और देश में भी कई जगह हुई है, जैसा कि मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी पार्टी है, लेकिन लेफ़्ट पार्टीज़ में एक पार्टी है जिनका एक ऐसा स्टाइपेंड ड्रिवन मॉडल है जो इस हिसाब से लोगों का जो आना चाहते हैं राजनीति में आते हैं उनका ख्याल रखते हैं। तो आज तक के सफ़र में अब आप एक MLA हैं, एक चुनाव आप बीच में हारे, बहुत मेहनत का चुनाव था, आप उसमें ज़्यादा मेहनत करी थी है ना, उस समय के इंटरव्यू में आपकी आवाज़ भी बदल चुकी थी, इतना बहुत मेहनत, बहुत भागदौड़ होती है लोकसभा का चुनाव, इतने क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बड़े क्षेत्र में सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहना, कितनी मायूसी होती है जब ऐसा चुनाव आप सारा ताकत लगा के एक बेटर अल्टरनेटिव देने के बावजूद सिर्फ इसलिए हार जाते हो कि किसी लहर का जिक्र है, या लोग इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं आपको, रिप्रेजेंटेटिव नहीं चूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि सेंटर में हमने एक फेस को वोट देना है, ये जो देखिए मायूसी वाली राजनीति हो चुकी है, नहीं
मायूसी तो होती है, आप इतनी मेहनत करते हो, जैसा कि मैंने कहा लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें मैंने तो बहुत मेहनत करी, हम सब ने करी, और उसकी तैयारियां मैंने लगभग एक साल पहले शुरू कर दी। हाँ। तो 12 महीने चुनाव लड़ा, एक महीने या 40 दिन या 20 दिन चुनाव नहीं लड़ा, 12 महीने चुनाव लड़ा, तो उसमें तो अपना सब कुछ झोंक दिया, बहुत मेहनत करी और नतीजे मेरी इच्छा के अनुसार नहीं थे। हालांकि 3-3.5 लाख वोट मिले, सेकंड पोजीशन पर आया, एक फॉर्मिडेबल चैलेंज भी दिया अपने ओपोनेंट को, लेकिन हार गए। बहुत दुख हुआ, बड़ी मायूसी हुई, मुझे तो बहुत हुई। लोग कहें कि नहीं जी नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक थे, मैं तो ठीक नहीं था, मैं तो बड़ा परेशान था, बड़ा दुखी था कि ये कैसे हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं जीत रहा हूँ, एक आधे एग्जिट पोल ने भी दिखाया कि मेरी सीट तो मैं जीत रहा हूँ, मैं तो बड़ा खुश था, लेकिन हार गए। मुझे लगता है कि तकदीर ने, डेस्टिनी ने शायद यही प्लान किया। मैं आई वॉज वेरी अपसेट। मेरी तो कई बार पार्टी के लोगों ने, पार्टी दूसरी पार्टी के लोगों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने कंसोल किया बिठा कर कि भाई ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इलेक्शन ही हारे हो, सब हारते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, बड़े बड़े नेता हार गए तो ऐसी क्या बात हो गई। बट मैं आई वॉज वेरी टेकन अबैक, आई वॉज वेरी वेरी सैड व्हेन आई लॉस्ट द लोकसभा इलेक्शन। बट इन हाइंडसाइड मुझे लगता है कि विधानसभा का चुनाव अरविंद जी ने लड़वाया, लड़ने का मौका दिया, विधायक बनाया, दिल्ली जल बोर्ड में जिम्मेदारी दी, ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज भी है, उपलब्धि भी है और एक जिम्मेदारी भी है। मुझे लगता है शायद मेरा रास्ता ये था, शायद भगवान ने चाहा था कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ूँ। मैं कोई और रास्ता अपने लिए तराश रहा था, उन्होंने कहा वहाँ नहीं, यहाँ जाओ, यहाँ आ गया। नहीं, पर देश में जो सरकारों को, खासतौर से केंद्र सरकार में वोट डालने का जो ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपका प्रतिनिधि कौन है, प्रेसिडेंशियल स्टाइल हो गया है इलेक्शन। हाँ, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के तो विपरीत। हाँ, चुनाव जिस हिसाब से लड़े जाते हैं और जो एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन अब इस देश में आ गया है, वो तो सब जानते ही हैं, मानते ही हैं। उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। मैं खाली नुकसान नहीं देखता। वो बात सही है कि चुनाव हर सीट पे होता है, आपको अपना विधायक चुनना है, वो विधायक मुख्यमंत्री चुनता है, आपने अपना सांसद चुनना है, वो सब सांसद या संसदीय दल मिलकर प्रधानमंत्री चुनता है, तो वो काफ़ी हद तक उसके अंदर जो लोकल इलेक्शन का फैक्टर्स हैं वो कम हो जाते हैं और एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन ज़्यादा हावी हो जाता है उस पर। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि दिल्ली का उदाहरण आप देखिए, दिल्ली में जब हमने पहली बार इलेक्शन लड़ा 2013 में, तो जितनी लोगों ने आम आदमी पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, शायद उनमें से एक भी पहले सामाजिक जीवन में नहीं था, पब्लिक लाइफ में नहीं, कोई नामी गिरामी नहीं था, साधारण से लोग थे। कोई ऑटो चलाने वाले को टिकट दी, कोई राशन की दुकान पर बैठने वाले को टिकट दी, ईमानदारी देखी, बस समर्पण देखा, देश के लिए काम करना चाहता है ये देखा। वो लोग जीत के, वो कैसे जीते, वो अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर जीते। तो लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल जी में था कि हम अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको सेवा का एक मौका देना चाहते हैं। वो नहीं होता तो शायद हम भी कहीं नहीं होते आज। आज दिल्ली में जो हमें इलेक्शन में जो नतीजे आए, मैं ये समझूं कि मैं जीत गया तो अरविंद केजरीवाल जी जीते हैं, उनके नाम पर वोट मिलता है, उनके नाम पर हम लोग जीत कर आए हैं, वो नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, लोगों ने उनकी लीडरशिप में वोट दिया, उनके 5 साल के काम पे वोट दिया, उनके किरदार पे वोट दिया, उनकी ईमानदारी को वोट दिया, उन्हें दिल्ली वालों ने अपना बेटा अपना भाई मानकर वोट दिया, तो वोट उनका है, उनके नाम पर है। तो वो एक मैं कहूँ एक छोटा सा एक बेनिफिट एक प्रेजिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन का है जो मुझे लगता है कि हमें मिला है। हमने 2015 के बाद जब 5 साल का कार्यकाल ख़त्म किया, 2020 के चुनाव में जो वोट मांगे, काम के नाम पे मांगे, नाम के नाम पे नहीं मांगे, हमने तो बोला था भाई काम किया तो वोट दो, वोट पड़ गया क्योंकि केजरीवाल सरकार ने काम किया 5 साल में। मुझे नहीं लगता कि कभी भी जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक और दुनिया में कहीं भी ऐसा उदाहरण होगा कि एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल 5 साल का ख़त्म करके एक चुनाव में जा रहा है और चुनाव में वोटर्स से अपील कर रहा है कि अगर मैंने काम किया तो वोट देना, बहुत बड़ी बात है, काम नहीं किया तो मत देना। एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी, एक कॉन्फिडेंस, एक आपको एक अलग ही लेवल की ईमानदारी चाहिए ये बात बोलने के लिए, बहुत बड़ी बात है।
नेता तो छल कपट से वोट लेते हैं, और यहाँ हमारा नेता है अरविंद केजरीवाल जी, जो जाकर कह रहे हैं काम किया तो देना, नहीं किया तो मत देना वोट। ये दिखाता है कि कितनी सच्चाई के साथ लोगों की सेवा करी है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, इसलिए मैं कहता हूँ उनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो एक अलग ही उनके काम करने का स्टाइल है, नज़रिया है। यहाँ से हम सोचना ख़त्म कर देते हैं ना, वहाँ से शुरू करते हैं। आपका स्कूल बहुत अच्छा लगा। स्कूल अच्छा है। आप दिल्ली सरकार के स्कूल भी बड़े अच्छे हैं, जब हम पढ़ते थे तब तो नहीं थे, आज दिल्ली सरकार के स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। जब आप दिल्ली सरकार के स्कूल को देखते हैं, उनके बदलाव की गाथा को देखते हैं, समझते हैं, मनीष जी ने बहुत अच्छी एक सुंदर पुस्तक लिखी है उस पर, शिक्षा, तो मैं उसको पढ़ रहा था, बहुत सारी बुनियादी चीज़ों में उस पर ध्यान दिया। ऐसा आज हम स्कूल में बैठे हैं, इसलिए सवाल जहन में आता कि एज ए यंग चेंज मेकर क्या बुनियादी डिफरेंस लगता है आपको प्राइवेट स्कूल्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसको पाटना बहुत मुश्किल है? देखिए, अब आज के दौर के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो दिल्ली सरकार के स्कूल्स हैं, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सकते हैं। मैं तो कितने ऐसे स्कूल्स में, दिल्ली सरकार के स्कूल्स में गया हूँ, चुनाव के दौरान भी, चुनावों के बाद भी, एटसेट्रा, जहाँ पर मैंने जाकर मंच से ये बात बोली है कि मैं दिल्ली के सबसे बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, मॉडर्न स्कूल में पढ़ा, सबसे बढ़िया, सबसे रॉयल स्कूल है ये दिल्ली का, नंबर वन स्कूल है। लेकिन आज मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, मुझे अपना स्कूल बहुत प्यारा है, बड़ा अजीज़ है, सबको होता है, लेकिन फिर भी आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के जो दिल्ली सरकार के स्कूल्स हैं, वो आज मेरे इस प्राइवेट स्कूल से भी बहुत बेहतर है। ऑडिटोरियम बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, शायद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेहतर है। आज वो जो एक डिफरेंस था, गल्फ ऑफ डिफरेंस था बिटवीन अ प्राइवेट स्कूल एंड अ सरकारी स्कूल, वो कम होते 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 बहुत ही कम सा रह गया। मुझे लगता है और कुछ समय में गवर्नमेंट स्कूल जो बेहतर, कई सारे तो हो भी गए, सारे ही शायद प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो गए। और इसीलिए आज हम दिल्ली में देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति, अमीर लोग, विधायक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकलवा कर दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिला कराते हैं। देश के अन्य राज्य सरकारों से ऑफिसर्स, मंत्री दिल्ली सरकार के स्कूल में आते हैं देखने के लिए कि यहाँ ऐसा क्या बदलाव आ गया, उसे सीख लेते हैं, कागज़ पेंसिल लेके नोट्स बनाते हैं, फिर अपने राज्य में जाकर लागू करते हैं। तो ये करके दिखाया है ना, US की फर्स्ट लेडी ऐसे हो जाएगी, तो अब वो हमें कॉपी कर रहे हैं। कहा जाता है इमिटेशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, तो हमें कॉपी कर रहे हैं हम, अच्छी बात है, हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हम और अच्छा काम करेंगे। जैसे बहुत सारी कॉस्ट की बात हम कर रहे थे पॉलिटिक्स में, रिलेशनशिप भी एक कॉस्ट, बिल्कुल है। कैसे देखते हैं हम अपने, मानिए आप एक रिलेशनशिप में हैं आप, या आप शादीशुदा हैं, जिस भी नज़रिए से आप उसे देखना चाहें, कहना चाहें, क्या आपको लगता है कि इम्पैक्ट होगा उसका आपके राजनीति में होने की वजह से? देखिए, सपोर्ट सिस्टम के तौर पे भी काम किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि आप एक ऐसी व्यस्त जीवन में हैं, स्ट्रेसफुल लाइन ऑफ वर्क में हैं, कि आपके पास परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए समय नहीं है। आप हमारी पार्टी के कई नेताओं का एग्जांपल उठाकर देखिए, अरविंद जी से लेकर नीचे तक, उन सब के जो पार्टनर्स हैं, जो फैमिलीज हैं, वो एक एनेबलर के तौर पे काम करती हैं। आज वो जहाँ पर हैं क्योंकि फैमिली ने सपोर्ट किया, फैमिली पूरी तरीके से हर दौर में, हर मुश्किल घड़ी में चट्टान की तरह साथ खड़ी रही। बहुत बड़ी बात है, बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे उनको बड़ी उम्मीदें थी कि मैं ये करूँगा, मैं को बड़ा अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, मेरी इतनी बड़ी फर्म होगी, इतने क्लाइंट्स होंगे, ये होगा वो होगा, मैं छोड़ के इस दिशा में चल गया। उन्होंने सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, इमोशनली भी सपोर्ट किया। तो परिवार का तो एक रोल मैं एक इनेबलर के तौर पर देख रहा हूँ, और रिलेशनशिप कॉस्ट, सोशल कॉस्ट ये होती है कि समय आप ज़्यादा नहीं बिता पाते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपका काम, लाइन ऑफ वर्क ऐसा है, व्यस्तता ऐसी है, लेकिन मैनेज हो जाता है, मुझे लगता है अभी तक तो हो ही रहा है, आगे भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमें स्पेशली ये ध्यान रखा है कि हम अपना शूट धूप होने से पहले पहले ख़त्म कर लेंगे, कि हमें जनता से डांट नहीं खानी। यदि राघव सर को टैनिंग हो गई तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं, टैनिंग हो जाती है यार, ऐसा कुछ नहीं है, टैनिंग होती रहती है यार, चुनाव में हो जाती है, टैनिंग का क्या है? मैं तो चाह ही रहा हूँ थोड़ी हो जाए। हो जाए।
दोस्त हैं आपके? हाँ बिल्कुल हैं। कहाँ कभी बाहर जाना होता है उनके साथ बैठते हो? बिल्कुल होता है। मिलते हो कभी वीकेंड्स? हाँ हाँ वीकेंड, हाँ हर वीकेंड नहीं मिल पाते, मिलते रहते हैं 15 दिन 20 दिन महीने में एक दो बार फ़ोन पे बात होती रहती है। लास्ट ट्रिप कहाँ लगाई थी आपने? कहाँ बाहर गए थे? दिल्ली से बाहर। दिल्ली से बाहर तो पंजाब गया था पिछले, वो इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं। चुनाव आ रहे हैं आजकल तो पंजाब ही जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, लास्ट टाइम कब गए थे पंजाब से पहले? दोस्तों के साथ। किसी के साथ? गर्लफ्रेंड के साथ गए, वो भी बता सकते हो। अरसा हो गया। हाँ तो कब गए थे, याद तो होना चाहिए। एक मेरा काफ़ी क्लोज दोस्त है, उसका 32वां जन्मदिन था, 33वां जन्मदिन था, तो हम लोग उसके साथ गए थे, अजमेर गए थे, वहाँ हम होकर आए। अब पिछले साल की बात है, अक्टूबर नवंबर के, नवंबर एक डेढ़ दिन के लिए, दो दिन के लिए। पंजाब इलेक्शंस में बहुत सक्रिय भूमिका में है आप, जब रास्ते में होते हैं पंजाब जाते हुए क्या कुछ सपने लेके जाते हैं? कि पंजाब एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और हर पार्टी ने वहाँ पंजाब के लोगों को, पंजाब के सूबे को लूटा है। मेरा खुद का रिश्ता उस सूबे से पंजाबी में, और जो डिग्रेडेशन ऑफ लाइफ वहाँ देखी गई है बहुत ही बुरी, नशे से लेकर सैंड माइनिंग माफिया तक उसने दीमक की तरह उस सूबे को ख़त्म कर दिया है, और सब वहाँ पे गिरवी है, स्कूल की बिल्डिंग से लेकर सरकारी बिल्डिंगों तक इतना कर्जा सरकार के सर पर, और ऑप्शंस जिसे कहते हैं लोगों के सामने आज से पहले कोई थी, वही घिसी पिटी कांग्रेस की कैप्टन सरकार, निकम्मी सरकार, जो कैप्टन साहब मुख्यमंत्री साहब बीते 4.5 साल के अपने कार्यकाल में 5 बार भी अपने महल से नहीं बाहर निकले लोगों के बीच जाने के लिए, निकम्मी सरकार से, सरकार ही नहीं चलाई उन्होंने तो, अपनी गवर्नमेंट एक अपने ट्रस्टेड ब्यूरोक्रेट को आउटसोर्स कर दी, वो ब्यूरोक्रेट चला रहा है सरकार, मुख्यमंत्री जी नहीं चला रहे। दूसरी ओर आपके पास बादल परिवार है, शिरोमणि अकाली दल है, जिससे आज बेअदबी से लेकर भ्रष्टाचार तक किसी भी चीज़ में पंजाब का नाम डुबोनों में कोई कमी नहीं छोड़ी, और बच्चा बच्चा नफरत करता है, तो लोग वहाँ पे अल्टरनेटिव की ओर देख रहे हैं, तराश रहे हैं कि कोई मिल जाए, कोई एक ईमानदार नेता मिल जाए, एक ईमानदार पार्टी मिल जाए, हम उसको वोट देते हैं, दिया लेकर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ऐसी स्थिति है पंजाब में। मुझे लगता है कि एक बेहतर पंजाब के लिए, खुशहाल पंजाब के लिए, एक रंगले पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 2022 के चुनाव में हम वहाँ सरकार बनाएंगे, और एक अच्छी सरकार बनाएंगे जो लोगों के हित में काम करें, नशे से लेकर हर समस्या, बेरोज़गारी तक की जो युवाओं की, उसे ख़त्म करेंगे। पूरा ब्लूप्रिंट हम सब मिलकर बना रहे हैं कि कैसे पूरे पंजाब की जो जिस दौर से, मुश्किल दौर से पंजाब गुजर रहा है, उसे बदल के खुशहाल पंजाब की ओर से ले जाना है, उस दिशा में काम चल रहा है, खूब मेहनत चल रही है। लगभग हर हफ्ते जाना होता है? बहुत ज़्यादा होता है जाना, आते जाते रहते हैं, लेकिन काफ़ी काफ़ी जाना होता है। पंजाब जाकर ऐसा नहीं लगता कहीं बाहर आए हो, अपना सूबा है अपना, बिल्कुल, तो दिल्ली के बहुत पास है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी के लिए यंगस्टर्स का रुझान बढ़ा है ना, और उसमें बहुत सारा रोल आप लोगों ने निभाया है, मतलब जिन लोगों ने, मतलब कुडोस टू यू, बिकॉज आसान नहीं है चुनाव की राजनीति में आना, इतना ट्रैवल करना जितना, और जो लाइफस्टाइल बनता है राजनीति में आने के बाद उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लेना, यंगस्टर से क्या एक्सपेक्टेशन है जब आप आम आदमी पार्टी को लेकर? देखिए यंगस्टर से ये एक्सपेक्टेशन है कि एक ये जो धारणा है कि राजनीति जो है वो या तो अनएम्प्लॉयड लोगों का काम है या अनएम्प्लॉयबल लोगों का काम है, या तो जो बेरोज़गार है और जिसके पास कोई और कोई स्किल ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं कर सकता, तो वो राजनीति में आ जाता है। ये जो एक धारणा है दैट पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ द स्काउंडरल्स, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयबल, उस धारणा को बदल के हम वास्तव में समाज सेवा के लिए, राज्य की नीति के लिए राजनीति में आए, जो उसकी असली मीनिंग है। और लोग इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील ज़रूर बने,
लेकिन उसके साथ साथ देश के लिए क्या कर सकते हैं और मुख्यधारा की राजनीति में आकर क्या कर सकते हैं, इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इस दिशा में काम भी करना चाहिए। चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस का सामना करते हुए आप कैसे आगे बढ़ें, इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। दैट वुड बी माई पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल यंगस्टर्स आर वॉचिंग दिस। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे टीवी डिबेट्स में देखते हैं, समझते हैं, एक बहुत लाजमी है कि आप जिस तरह से डिबेट्स चल रही हैं, जिस ज़बरदस्ती का स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बिल्ड किया जाता है आपके आसपास, ज़बरदस्ती आपको बेसिक सवालों से हटाकर घुमाया जाता है, कैसे डील करते हो? कितना तनाव नहीं होता उस समय जब आप चेहरे आपका चेहरा डिबेट में है, आप एक पैनल में बैठे हैं? अब मैं तो कहता ही हूँ दैट नॉइज़, न्यूज़ हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय नॉइज़ एंड सेंस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय सेंसेशनलिज्म। पूरा न्यूज़ मीडिया बदल सा गया है। कुछ कुछ चैनल्स हैं जो एक ख़ास पार्टी, एक ख़ास विचारधारा के प्रोपागेंडा चैनल्स के तौर पे बिहेव करते हैं, उन्हीं के एजेंडा को आगे करते हैं, कोई निष्पक्ष इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म थोड़ी करते हैं। उसी हिसाब से न्यूज़ डिबेट्स में भी देखा जाता है। हम जब किसी एक ऐसे सब्जेक्ट पर जाते हैं जहाँ हमें चार सवाल पूछे जा सकते हैं, वहाँ माहौल ऐसा होता है कि एक बीजेपी का स्पोक्स पर्सन होता है, एक बीजेपी का समर्थक होता है, एक आरएसएस का विचारक होता है, एक एंकर होता है और एक इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होता है। और ये सब लोग, आप अगर इसको स्क्रीन को ना देखें और सिर्फ इनकी आवाज़ सुने, तो आप बता नहीं सकते इनमें से कौन बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं है। सभी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बात करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है। बट मुझे लगता है कि लोग भी देख कर ही समझ जाते हैं कि हो क्या रहा है। जिस हिसाब से आप एक आदमी को घेर कर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उससे सवाल पूछेंगे, लेकिन जवाब देने का मौका नहीं देंगे। टीआरपी कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है वो काफ़ी हद तक वो टीआरपी भी ना स्कैम है। नहीं, स्कैम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई फर्स्ट हैंड जानकारी नहीं है। लेकिन लोग इसलिए भी देखते हैं कि देखें कि मीडिया कितना ख़राब हो गया है, तो लोग उस तमाशे को देखकर फ्रॉम नॉट अ न्यूज़ स्टैंड पॉइंट बट फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट स्टैंड पॉइंट इन्जॉय करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पर आपके लिए पर्सनली कैसा अनुभव होता है? एग्जॉस्टिव? हाँ, एग्जॉस्टिव होता है, बहुत एग्जॉस्टिव होता है, पर जाना पड़ता है। हाँ, सरदर्द हो जाता है पर जाना पड़ता है। करते हैं अपनी पार्टी की झंडे को बुलंद रखते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, ऑडियंस से बात करते हैं। एंकर से बात करने कौन जाता है? एंकर से क्या बात करनी है? या जो बाकी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, सपोर्टर्स हैं, उनसे क्या बात करनी है? उनसे तो बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी पार्टी की बात पहुंचा सकते हैं, अपनी सरकार की बात रख सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारे फैन पेजेस हैं आपके? अच्छा, मैंने तो नहीं देखे, देखना चाहिए बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था मैं लोगों को, एक जानकारी के लिए बेताबी है कि राघव शादी कब कर रहे हैं ये बता दीजिए। मुझे भी बेताबी है इसकी, कब कर रहा हूँ मैं खुद इस जवाब किससे मिलेगा? इस सवाल का जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ। तो जवाब कैसे मिलेगा, हम क्या मदद जिस बेताबी से आप ढूंढ रहे हैं, मैं ज़्यादा बेताबी से ढूंढ रहा हूँ। क्या मदद, कुछ मदद कर सकते हैं क्या हम आप? नहीं, मदद आप, मैं अपनी माँ का फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा, आप उनसे बात करें और उन्हें बोले राघव अरेंज मैरिज तो नहीं करने वाले, शीघ्र अतिशीघ्र आप हमें नहीं बगड़ा सकते, राघव अरेंज मैरिज नहीं। क्यों क्यों नहीं कर सकता? नहीं लगता, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल हो सकती है, जल्दी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सून सून, वेरी सून, होपफुली। आइए, एक चक्कर लगाते हैं उसको। आइए, यहाँ मैं जब आते थे यहाँ से पहले माँ के चरणों में मत्था टेक कर आगे जाया करते थे। ये हमारे सारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की फोटोज हैं। और महात्मा गांधी की भी है कहीं ना कहीं। एक्सेप्शनल स्कूल, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। पेरेंट्स का तो क्या योगदान, उस समय भी एडमिशन मिलना मुश्किल रहा होगा।
बनाने में उनका नहीं। एक बार आए जरा स्कूल से नजारा कैसा दिखता था आपका? यहाँ आना हमें अलाउड नहीं होता था। क्यों? इसको बंद रखते थे शायद, कुछ छलांग ना मारते। हाँ छलांग ना मारते, बट वैसे भी इसे बंद ही रखा जाता था। वहाँ सामने हमारी हेडमिस्ट्रेस का रूम भी हुआ करता था, तो उसकी वजह से। काफी ब्यूटिफिकेशन हुआ है। स्ट्रक्चर्स तो वैसे ही हैं, लेकिन जैसे वो आइए क्लासरूम देखते हैं आपका। खुशबू आज भी वही है। क्लासरूम थोड़ी बंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं होता था प्रोजेक्टर और इधर, और चौक से लिखा करते थे, काले रंग का बोर्ड होता था। ये दो चार चीज़ें ज़रूर बदली हैं। थैंक यू सो मच, आप हमें यहाँ ले ही आए। शुक्रिया आपका। कई सारी पुरानी यादें, अच्छी लोकेशन तलाश के लिए। आपको पसंद आया होगा आज का ये दिन? बहुत पसंद आया। आप हमें हमारे स्कूल लेकर आए, आपने इतना बढ़िया इंटरव्यू किया, थैंक यू सो मच। बुलाते रहिए और ऐसे ही अनकही अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस करते रहिए। ये डेयरिंग और ये आम आदमी पार्टी का बेखौफ बना बहुत लोगों को अपनी तरफ लेके जाता है। उम्मीद है कि इसी बेखौफ बने से हम सब इस यात्रा में देश को नई किरण देते चले जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू। चलिए, सी यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।